Today we are going to read and understand our very first poem of first unit, Me, Rain in the Night, Raat mein Barish. Let's begin. Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. Raining, raining all night long, yani ki rain ho rahi hai puri raat bhar. Sometimes loud, sometimes soft. कुछ वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जोर से बारिश हो रही है, कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, जस्ट लाइक अ सॉन्ग, बिल्कुल एक गीत की गाने की तरह. देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गटर्स? गटर्स मीन्स चैनल्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट दैट कैरी ऑफ वाटर. जो सड़क के जो किनारों पर जो पानी जमा हो जाता है वहाँ उसको यहाँ पर गटर्स बोला गया है. तो जो गटर्स है वो बिल्कुल नदी की तरह हो गए हैं. एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, और जो रास्ते पर जो पानी गिर रहा है वो बिल्कुल झील की तरह, लेक्स की तरह नजर आ रहा है. इट विल मेक आ लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट. और ये जो पानी वजह से क्या हुआ है, जो लेजी किटी है, बिल्कुल आलसी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, वो अपने छोटे छोटे जो गंदे पैर हो गए हैं वो उससे धो रहा है. द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वीन एट कोर्ट. द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट. जो बारिश की बूंद जब फूल पर या फूल के पत्तों पर गिरती है तो वो बिल्कुल इस तरह नजर आती है जैसे कि डायमंड हो, जैसे कि एक हीरा हो, बिल्कुल जैसे किंग और क्वींस अपने पहनते हैं हीरे या उनके कपड़ों पर, उनके ताज पर जिस तरह डायमंड नज़र आते हैं, बिल्कुल उसी तरह रोजेस पर जो पानी गिर रहा है वो डायमंड की तरह नज़र आ रहा है. बट द पैंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंसीज? पैंसीज flowers with purple, yellow or white velvety petals, the plants bearing such flower. यानी के पैंसीज उसको कहते हैं छोटे छोटे प्लांट होते हैं और उनके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं उसको कहते हैं पैंसीज. बट द पैंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट. है ना, जब प्लांट छोटा रहेगा तो जाहिर बात है कि वो जल्दी से गंदा हो जाएगा, मडी हो जाएगा, क्योंकि इट्स रेनिंग, बिकॉज ये बारिश हो रही है जिसकी वजह से छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, पैंसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं. आई सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस. यहाँ पर जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है कि आई सेल माई बोट टुमारो, मैं कल अपनी बोट तैराऊँगा, सेल करूँगा इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस. कहाँ पर? बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी और नई जगह पर. वंडरफुल बहुत अच्छी, न्यू प्लेसेस नई जगह. बट फर्स्ट आई टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पैंसीज फेसेस. लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वाटरिंग पॉट लूँगा, पानी देने वाला गमला लूँगा, और क्या करूँगा, एंड वॉश द पैंसीज फेसेस. जो पैंसीज, जो छोटे छोटे प्लांट्स और उसके फ्लावर्स मडी हो चुके थे, गंदे हो चुके थे, उनके जो फेसेस है उसको क्लीन करूँगा.